एवरीवन, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शाम को जा रहा हूँ ऑल इन ऑल क्लब, जहाँ पर मैंने अपनी स्टैंड अप परफॉर्म करी थी। वो उनका कल एक और स्टैंड अप है जहाँ पर मैं कल एक और ओपन माइक है जहाँ पर मैं स्टैंड अप परफॉर्म करूँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ उस इवेंट को प्रमोट करने इन पर्सन। मतलब हम डाउनटाउन में प्रमोट करेंगे, जितने भी मतलब उन्होंने ऑलरेडी कुछ पोस्टर्स छपवा के रखे हैं उनको बांटेंगे लोगों को इन पर्सन जाके। और अब मतलब मैं वैसे भी कर रहा हूँ, बट मैं ऑल इन ऑल क्लब के साथ अब आर्टिस्ट एम्बेसडर भी हूँ, तो उसमें हमें थोड़े पर्क्स मिलते हैं। मतलब प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है एंड देन वी ऑल्सो गेट थोड़ा बिग टाइम स्लॉट। तो देखो मेरे पीछे पागल हो गए हैं लोग, यहाँ पर भूत प्रेत निकालने शुरू कर दिए इन्होंने। अच्छा, वहाँ तो पूरा जंगल ही है। ओहो, ये पकड़ो, पकड़ी हुई मैं। वो देखो, यहाँ तो पूरा जंगल ही बना रखा भाई इन्होंने घर में अपने। ये देखो, यही हाल है यार, बहुत बहुत ऐसा हाल है यहाँ पर। जाओ, दिवाली आ रही है, शुभ लाभ लगाना चाहिए। ये क्या लगाएगा, पर चलो कोई बात नहीं, हम निकलते हैं डाउनटाउन की तरफ। पहले मैं जाके अपनी स्टैंड अप कॉमेडी फाइनलाइज करूँगा, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है कल के लिए। थोड़ा उसमें जोक्स को इम्प्रोवाइज करना, फिर मेरे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर। जब पहली बार जब मैंने करा, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हो गया, तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे से और ज़्यादा बढ़ चुकी है। बट नेवरदलेस अभी किसी कॉफ़ी शॉप में जाऊँगा पहले। तो आज सुबह भी गया था, सुबह भी लिखी है 2-2.5 घंटे बैठ के, फिर जा रहा हूँ। अब इवेंट प्रमोट करने आए थे, तो जो मेरे साथ और आर्टिस्ट हैं जो मैनेज करते हैं ऑल एंड ऑल क्लब, तो वो थोड़ा लेट हैं। तो मैंने सोचा था पैसिफिक सेंटर चल लेंगे, मुझे बॉडी वॉश वगैरह लेना था अपने लिए ना दोबारा से, अभी थोड़े टाइम पहले भी लिया था। तो इसने क्या करा मेरे को, ये मेरे को दोबारा ले आई H&M कि मेरे सॉक्स नहीं फट रहे हैं और मेरे को सॉक्स लेने हैं। ये टोपी ले चुकी है अभी तक, सॉक्स ले चुकी है, अब ये ज्वेलरी देख रही है। ये ऐसे ही बर्बाद करती है मेरा टाइम ना, ये ऐसे मेरे को ले आएगी, कहती तू भी तो मेरे को लेके आया, मैं भी तो आई हूँ, ऐसे ब्लैकमेल करती है। उसके बाद मैं सही में इतना पहले लेके गई एक बार शॉपिंग, वो स्किन केयर वाला, तो मैंने व्लॉग ही नहीं डाला जो इसने दुखी करा था मुझे। लेकिन अब ये फिर मेरे को यहाँ ले आई है, तू चल रही है ऐसे नहीं चल रही। अब वो स्कार्फ देख रही है जो दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि मैंने बोल दिया गलती से अच्छा लग रहा है। मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हमारे आर्टिस्ट लोग तो आए नहीं सारे, तो हमने कॉफ़ी ली। ये पता है क्या करती है चुपचाप, जैसे मेरे को ना ऐसे मॉल में घूम रहे हैं, इसे जहाँ जाना है तो मैं इसकी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। पकड़ियो कैमरा, पकड़। जैसे मान लो हम मॉल के साइड है, ठीक है, और इसलिए उधर जाना है, ये क्या करेगी, ऐसे चलते चलते बातें करती करती यहाँ जाएगी। मतलब कहाँ जाना है? ओ अच्छा, यहाँ पर। हाँ बता बता कहाँ जाना है। अच्छा हाँ, चल चल यहीं चलते हैं। फिर हाँ चल देख लेते हैं, आए तो है नहीं। ये कर रही है, इसके साथ आने का सबसे बड़ा नुकसान है। क्यों ऐसा? इसके हाथ में ड्रिंक देख लो आज के व्लॉग में। अगर ये मेरे को अगले 2-3 दिन मिलती है लगातार, तो ये ड्रिंक देखेगी अब, और उसके बाद यही नहीं इस ड्रिंक को देखेगी, ऐसा पीछे पड़ी हुई है इसके। मेरे साथ ऐसा ही होता है, अभी पहले कुछ टाइम से 15 दिनों से मैं वही पी जा रही थी, आइस टी आइस टी आइस टी। अब इसके माचा, फिर थोड़ी देर में अच्छी होती है। हाँ थोड़ी देर, अभी अभी ये माचा, फिर थोड़ी देर में इस माचा को तमाचा। मैं भी पीछे पड़ा हूँ वैसे आजकल एक ड्रिंक के, तो वो उसमें मैं ऑर्डर भी नहीं बता सकता, बहुत बड़ा ऑर्डर है वो तो। पर चलो अब हम हडसन भी देखते हैं थोड़ी देर, फिर अभी आर्टिस्ट आते हैं तो मैं आपको सारे आर्टिस्ट से मिलवाता हूँ। ये भी आर्टिस्ट है? मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बस इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ उनकी। मैं इनका इवेंट ऑर्गेनाइज करूँगी कल से। पहला टास्क है कल इसका, अनऑफिशियल बट बहुत जल्दी ऑफिशियल भी कर देंगे। अरे पहले आर्टिस्ट आ गए, ये रे टाइम पे नहीं आया मैं बिल्कुल, टाइम पे नहीं, बहुत लेट बहुत लेट, बट मैं बहुत लेट बहुत लेट। यू आर गेटिंग फीचर्ड ऑन जोश इन कनाडा, रुपिंदर। अरे क्या बात है, मैं ब्लॉग में आया भाई यार। रुपिंदर केतन, केतन रुपिंदर। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। अभी बस हम और दो लोगों की वेट कर रहे हैं, हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। हाँ हम करते हैं शुरू। चरणजीव आ रहे हैं, और जिनको दिखेगा कि हम झेल सकते हैं उनको हम मार मार के देंगे, लो सालो पकड़ो, यही करना है हमने वहाँ खड़ा होना बिल्कुल उधर उस साइड पे जंकीज के बिल्कुल पास, क्योंकि उनमें और हमें भी कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा, बिल्कुल सेम सेम है। ये लोग यहाँ क्यों खड़े होने लग गए? चलो चलते हैं जल्दी, और वहाँ जाके सेटअप करता हूँ कैमरा।
हमारा ये काम है, हम ऐसे लोगों को ये जा जाके मतलब इन पर्सन ऐसे पकड़ाएंगे। कर्मा इतनी बुरी चीज़ है ना, मतलब कर्म जब आपके आगे आते हैं ऐसे ही लोग खड़े होते थे और मैं मेरे को देते थे, मैं एक से नहीं लिया, मैं सेम फिर मैंने तीन को दे दी। नाइस भाई, अगली बार हमें तीन पकड़ने वाले हैं। मंजीरे बनाने के लिए और क्या म्यूजिक एंड पोएट्री आपको क्यों मिल रहे हैं? सबसे बढ़िया तो उनको होगा ना, थैंक यू उनका, थैंक यू हॉस्टल के साथ है, बचपन से उन्हें सिखाया गया। आप टीम मीटिंग सुनो खाली, ये देखो जो भी फोन वाला दिखे, कोई फोन में दिखता है, कोई ऐसे दिखता है, ठीक है वो यहाँ से चला जाएगा इग्नोर करके। एक बंदा आगे खड़ा करो, फोन स्नैचिंग कराओ सबके, फोन स्नैचिंग पैसा बहुत है स्पॉन्सर फोन स्नैचिंग। ये भी आएगी जहाँ तू ले आती थी भाई, लखनऊ में यही हुआ था। ये हवा देखो आप, डोंट ट्राई दिस एट होम स्कूल और एनीवेयर। ये तो भाई मुंह फेर के शक्लें आ रही हैं, ये तो पक्का मुंह फेर के शक्लें आ रही हैं, मैं पकड़ूंगा बाद में।
यार मेरा क्वेश्चन है तेरे से, इधर आके जवाब दियो। क्या जवाब दे? मैं एक से इधर आके, बस ये रुक। जो बंदा देता है ना वो थोड़ा देख के देता है कि पता है मानेगी कि नहीं मानेगी। मैं नहीं देखता, आ रहे आओ बाद में यहाँ पर आ गई, जो फोन पे इग्नोर करते जा रहे हो, फोन स्नैच होंगे यहाँ पर सब। लीचड़ होते ना लीचड़, फ्री फूड में फ्री फूड। हमने ग्रैनविल पे, ग्रैनविल स्टेशन के बाहर बहुत सारे बांटे, पर उसके बाद लोग आने कम हो गए थे, तो अब हम जा रहे हैं रॉबसन स्क्वायर, रॉबसन स्क्वायर जाके बांटेंगे। हम तो जो बेइज्जतियां कर रहे हैं लोगों की, अब चलो मैं बेइज्जतियां ना सेंस मज़े ही ले रहे हैं, उनको हिंदी नहीं समझ आती और हमें कुछ की भाषा हमें नहीं समझ आती, बाकी इंग्लिश तो हमें आती है थोड़ी बहुत। अब रॉबसन स्क्वायर मैंने जो पहले दिखाया था, जहाँ डोसे वाली आंटी खड़ी होती है उसके बिल्कुल सामने हम बांटेंगे, आर्ट गैलरी के सामने, वहाँ लोग चिल कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग हमें वहाँ मिल सकते हैं। तो अच्छा चलो वहाँ चलते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी। आप मेरे को तो लगता है आपको मज़ा आया होगा ये सब हमारी बातें सुनने में। भाई मैं कह रही हूँ क्या कह रही हूँ, एक लड़का मिला, एक लड़का जा रहा था, हे गाइस बोलने की इतनी आदत हो गई उसको, कह रही है हे गाइस, एक लड़का था, एक लड़के को हे गाइस, वो पता है क्या उसने, मैं बताता हूँ, इसने दिया, हम बोल रहे हैं कि फ्री इवेंट टुमारो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आपकी मर्जी आना है, वो पीछे मुड़ गया। आई कैन नॉट गारंटी कि जितने आर्ट, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये ही इज द आर्टिस्ट, नहीं नहीं ये आर्टिस्ट नहीं है भाई, ये ऑर्गेनाइजर है, पहले आर्टिस्ट हूं फिर ऑर्गेनाइजर, ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये आपका नाम क्या भाई, इनका नाम है चरण, चरणजीत नहीं तरण, झूठ बोल रहा है, क्या नाम है फिर मैं नहीं बताऊंगा, चलो फिर रहने दो, ये व्लॉग दूसरा पार्ट आएगा, करण भाई का बता दे भाई वीडियोग्राफर है उनको, ये वीडियोग्राफर है। मैंने सबके लिंक जितने जो जो काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करते हैं, जैसे अब शेफ सेज मीडिया भी है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सारा सब कुछ, आपको सोशल मीडिया हैंडल कराना है, सब मिलेगा यहाँ पर, मतलब यू नो वो गफार मार्केट सब मिलता है ना, सोशल मीडिया सब, मतलब सब यहाँ सब मिलेंगे, लेबर मार्केट हम चलाते सब मिलेंगे यहाँ पर। तो फिर अब हम चलते हैं, इनके नेक्स्ट स्टेप जो भी है बताएंगे वो करते हैं और आपको दिखाते हैं। भाई मैंने तो पकड़ी बुद्धि लोग, हम लोग ना स्प्लिट हो गए हैं बांटने के लिए, क्योंकि भीड़ हमें ऐसे मिल नहीं रही थी ऐसा, तो हम लोग जा रहे हैं स्टीम क्लॉक, स्टीम गैस टाउन में, यहाँ पर लोगों को पकड़ने, यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं नहीं पकड़ने, मतलब यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं, यहाँ क्या होता है वो क्या होता है यहाँ पर, वो घंटी सी बजती है कुछ, स्टीम क्लॉक है, मतलब एक घंटे बाद बजती है ना, एक घंटे बाद बजती है और वो लोग देखने आते हैं। मेरे वर्ड्स तो कुछ और हैं, इसने चेंज कराए हैं वर्ड्स, पर चलो कोई बात नहीं, पकड़ते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या बनता है। ये है स्टीम क्लॉक, इसको लोग एक घंटा रुकते हैं इसको देखने के लिए बस, ये ऐसे अभी ये बजी नहीं है, ये बजती भी है बस, मेरे ख्याल शायद उसके लिए आते हैं, पर ये है बस, ये है देखो स्टीम क्लॉक ऐसी है, पर ये क्या आसपास की स्ट्रीट थोड़ी सुंदर है ना, तो लोग उस बहकावे में बस यहाँ आ जाते हैं। ये देखो अगर अब आवाज आएगी, अभी बजी थी, कैमरा निकालते बज, वो 15 मिनट बाद अब 15 मिनट तो देखो मैं रुकूंगा नहीं इसकी घंटी सुनने के लिए, तो यही था बस जो था ये बस, लेकिन ये स्ट्रीट ऐसी है देखो, ऐसी स्ट्रीट है।